अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पापलेट करी, बहुत सिंपल और इजी तरीके से। जैसे कि आज मैं आप लोगों को एक ही रेसिपी बताने वाली हूँ, क्योंकि आज मैं थोड़ा बिजी थी और मैं थोड़ा बाहर भी गई थी। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने कुछ मसाले ली हूँ, इसमें ली हूँ 5 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर, 1 वाटी गिल्ला नारियल, 4 हरी मिर्चें, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 1 चम्मच जीरा, 4 सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा करी पत्ता, 1 मुट्ठी हरा धनिया और 1 प्याज। इन सबको हम मिक्सर के जार में डालेंगे। इसमें पानी हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, इसे हम ऐसे ही पीस लेंगे, क्योंकि टमाटर में काफ़ी पानी छूटता है तो पीसे अच्छा जाता है। जैसे कि मैंने बोल दी कि आज थोड़ा काम था, टाइम नहीं मिला, इसकी वजह से मुझे आज एक ही रेसिपी बतानी पड़ी। तो जैसे कि मैंने पापलेट का रस्सा मैंने बताई नहीं थी, तो मैं बनाती हूँ पापलेट का रस्सा और 2-3 तरीके से मैं बनाती हूँ, मगर ये जो बता रही हूँ ये बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाना बता रही हूँ। तो ये देखिए, ये पीस के हो चुका है, अभी इसे हम साइड में रख देंगे। इधर पे मैंने एक टोप ली हूँ, टोप में हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच तेल। गैस को हमें मीडियम पे रखना है, ज़्यादा फास्ट पे भी नहीं और एकदम स्लो पे नहीं, मीडियम पे पकाना है। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं डालूँगी जो मसाला मैंने पीस के रखी थी वो। ये सारा मसाला हम डाल देंगे, तेल एकदम गर्म हो गया मेरा, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और वाटी में जो भी मसाला लगा है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे अच्छी तरह से खंगाल के वो भी पानी हम डाल देंगे। बराबर आशी? बराबर बराबर। आज एकदम चुपचाप से मैं खाना पका रही हूँ, क्योंकि सुबह से काम भी थोड़ा था और थोड़ा मैं आज बाहर गई थी, जैसे कुर्ला गई थी तो आने के लिए काफ़ी टाइम हो गया, और आते आते रास्ते में मुझे ये पापलेट दिख गई और बोम्बिल दिख गई, तो मैं बोली चलो अभी क्या बनाऊँ। तो जब मैं बोली चलो बहुत दिन हो गया पापलेट का रस्सा नहीं बनाए, तो मैं पापलेट लेके आ गई। तो मैंने जैसे कि 2 ही पापलेट ली हूँ, थोड़ी महंगी मिली मगर मैं ले ली, और थोड़ी सी 200 रुपये की बोम्बिल ली। तो बोम्बिल को तो मैं फ्राई कर लूँगी। बोम्बिल फ्राई की रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है। बोम्बिल फ्राई की रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है। तो ये देखिए, मैं बिल्कुल भी कुछ भी वेस्ट नहीं करती हूँ, सारे मसाले बर्तन में से अच्छे से धो धा के पोंछ के उसमें डालती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा भी कोई चीज़ फेंकने में जाती है तो मुझे बहुत मतलब ये हो जाता, अफसोस होता है कि कोई चीज़ वेस्ट की हो गई करके। बचत बहुत करती हूँ मैं। अभी इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, तो 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, और ये 3 चम्मच कोकन मसाला डालेंगे, है ना, यानी इसे मच्छी का मसाला भी बोलते हैं। ये आपको मुमरा में अगर आप रहते हैं तो मुमरा मार्केट में भी आपको ये जो मसाला है मच्छी का मसाला मिल जाएगा, क्योंकि ये जो मसाला है मेरी बहन ने मुमरा से ही ली थी और मुझे दिए थे। तो ये देखिए, ये मसाला अच्छी तरह से भून के हो चुका है, मैंने मीडियम गैस पे ही रख के मसाले अच्छी तरह से भून के ली हूँ। अभी इसके अंदर मैं डाल के थोड़ा सा इसे रस्सा बना लूँगी। तो ये साइड में जो टोप के ऊपर मसाले लगे इसे निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या बोलते हैं, टोप का मुंह धुलाना, है ना। हाँ, तो इसे सब डाल के मैं इसमें कम से कम रस्सा करने के लिए मैं इसमें 2 गिलास भर के पानी डाल रही हूँ। आपके हिसाब से, आपको कम पतला चाहिए तो आप कम भी डाल सकते हैं, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा भी। अगर आपको थिक चाहिए तो ज्यादा पानी मत डालिए, एकदम पतला चाहिए तो पतला डालिए, पानी ज्यादा डालिए, पानी ज्यादा डालिए, पतला डालिए नहीं, पानी ज्यादा डालिए। और अभी इसमें डालेंगे 4 से 5 कोकम खट्टापन आने के लिए। ऐसे तो टमाटर से तो खट्टापन आ ही गई। तो ये मैंने पापलेट मछली ली हूँ, इसे मैंने 1 घंटा नमक लगा के रख दी थी थोड़ा सा, उसके बाद मैं इसे साफ करके अच्छी तरह से धो ली हूँ मैंने 3 से 4 पानी से। अभी हम लोग इसे फ्राई वगैरह नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट ही डालते हैं, तो डायरेक्ट ही अच्छा लगता है डालने के लिए। मच्छी जब पानी में उबाल आ जाए, हमारे मसाले में उबाल आ जाएगा, उसके बाद में हम इसमें मच्छी डाल के 5 मिनट तक का उबाल लेंगे, उसके बाद में हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि मच्छी जो है भाप में ही गल जाती है, इसे ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता है ना। उसके बाद में हम इसे बंद कर देंगे। मैं इसके ऊपर हरा धनिया वगैरह कुछ नहीं डालूंगी, ये ऐसी काफ़ी टेस्टी लगती है। तो गैस बंद कर देंगे, 1 उबाल आ जाएगा। तो ये देखिए, तरी भी कितनी अच्छी छूटी है। तो आपको ये कोकन मसाला चाहिए तो आपको मुमरा में भी मिल जाएगा, क्योंकि मुमरा में मेरे बहुत व्यूवर्स लोग रहते हैं,
तो इधर पे मैं बोम्बिल फ्राई कर रही हूँ। तो बोम्बिल कैसे फ्राई करते हैं, क्या मसाला लगाते हैं, ये मेरी आईडी में मौजूद है। आई बटन में डाल दूंगा। आई बटन में आसिफ डाल देगा, डिप्रेशन में भी डालेगा। हाँ, डाल दूंगा। डाल देगा। तो ये देखिए बोम्बिल एकदम छोटी छोटी थी, ज़्यादा बड़ी बोम्बिल नहीं थी। मैं डायरेक्ट इसे मसाला लगा के फ्राई कर ली। तो ये अभी हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए ये स्टीम राइस के साथ ही खाना, मच्छी करी का मज़ा जो है ना स्टीम राइस के साथ ही आता है खाने में। यानी तो उकड़ा चावल होता है ना मोटा वाला। तो ये देखिए ये पापलेट डाल दी मैंने, पापलेट रस्सा, ये उसकी दुमची। आप लोगों को पता है पापलेट मच्छी को और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए मुझे कमेंट में, मैं बताती हूँ। चलो, हम लोग के घर में ना पापलेट मच्छी को छमिया भी बोलते हैं। जैसे कोली लोग हैं ना, कोली लोग के बीच में हम लोग रहते ना, तो कोली लोग बोलते थे छमिया, छमिया बोलते थे। अभी क्या पता कितने लोगों को पता है, आप लोग को पता है तो कमेंट में बोलो। बोलो, तो मुझे तो पता है इसलिए मैं बताई। तो ये देखिए ये हो गया हमारी थाली रेडी। अभी मैं आपको इसे खा के भी बताती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना था, और ये रोटी से ज़्यादा चावल के साथ ही अच्छा लग रहा था। ये आप इसे चावल की रोटी के साथ में भी खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा। हाँ। है ना, बोम्बिल फ्राई भी बहुत अच्छा बना। हाँ, बहुत अच्छी बनी थी। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, और इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करो, शेयर करो, अच्छी अच्छी कमेंट भेजो। फिर मिलती हूँ आप लोगों को एक अच्छी रेसिपी के साथ, एक अच्छे ब्लॉग के साथ में। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और बेल आइकन को क्लिक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। नए वीडियो देखने के लिए आसिफ ने भी बोल दिया। तो ये बोम्बिल देखिए, हाँ, एकदम करम कुरुम मस्त, एकदम टेस्टी। पीछे रोटी का डब्बा रखा हुआ है। तो चलो, मैं खाते ही जा रही थी, मुझे बहुत पसंद है ना मच्छी। टाटा, बाय बाय।